अच्छा जी मैक्सन जी क्या कहना चाहेंगे जी हारिस कैसे हैं सर बिल्कुल ठीक सर सर आपका कैमरा बंद है मेरा ख्याल आ नहीं रहा ठीक है कोई बात नहीं मैं ये थी. कहना चाह रहा आप पहले जो बात कर रहे थे वो इमरान खान के बारे में उसने तो बिहार बड़ा मायूसी की है टोटली ना, ना his, his मैंने... Story, वो लेट गए मैं 7 साल 7 साल उसको प्रमोट करता रहा मेरे पाकिस्तान में फैमिली फ्रेंड्स, मैं उनके साथ लड़ लड़ के उनको ये नवाज शरीफ और दूसरों से हटा के तो उस, उसकी तरफ लेके आया अब सारे मुझे देखते हैं और गालियां मुझे देते हैं कहते हैं यार ये ये, ये निकालना था तुमने आखिर में स्पेशली जब हाँ। अब, 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 अब ये जो शुरू किया उसने मदीना की रियासत और ये जो आखिर में जो शुरू कर दिया इसने टोटली ये तो बिल्कुल थ्री डिग्री चेंज ही हो गया इसमें देखें मदीने की रियासत तो इन्होंने पहले से मारना शुरू कर दिया था शोशा जो कि इंतहाई स्टूपिड है मैं इनको तब मानूंगा मेरे दिल करता है खान साहब तो फिर किस दिन सरतन से जुदा और हाथ पैर कटने हैं एक तरफ खान साहब कहते थे मैं तो कैपिटल पनिशमेंट के भी खिलाफ हूं तो ये कह मदीने की रियासत तोड़ मरोड़ के जो मर्जी बनाई जाए बट औ, और मुनाफकत अब ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने अभी स्टेटमेंट में क्या कहा है चाइनीज इंटरव्यू को पहले तो गोरे को इंटरव्यू देकर कि जी जो वी स्पीक अबाउट इट इन उन्होंने फौरन वहां से से आया एम्बेसी इनको लेटर कि भाई तुम कौन होते हो हमसे बिहाइंड क्लोज डोर एक्सप्लेनेशन मांगने वाले इंटरव्यू दो अभी खान साहब ने एक हफ्ते बाद इंटरव्यू दे दिया कि नहीं नहीं हम चाइना का वर्जन एक्सेप्ट करते हैं भाड़ में गए मुसलमान शीनजांग के मुसलमान वहीगर मुसलमान भाड़ में गए बल्कि ये भी बताया जा रहा है उनको चाइना ने मांगा है जो भाग के रेफ्यूज लेते हैं बॉर्डर क्रॉस करके इधर आते हैं पाकिस्तान में उनको भी वापस भेजो मुसलमानों को तो क्योंकि ये सारी खबरें वहीं से निकलती है ना जो वहां से भाग के आते हैं तो इन्होंने डर के मारे कह दिया कि भाई ये है और ऊपर से इन्होंने कहा कि हम इसको इसलिए मानते हैं चाइना के वर्जन को बिकॉज वी हैव हमारे वो बड़े अच्छे दोस्त हैं तो भाई इस तरह तो फिर, फिर अमरीका से क्यों नफरत करते हो भाई अमरीका दोस्त है इसराइल वो फिर उसी का मानेगा फिर इवेंट उसी का वर्जन ये वे, वेस्टर्न जितने भी मुल्क हैं वो इसराइल को अगर अगर मानते तो फिर अगर आपने फैक्ट्स की बेस पे नहीं अपनी रिलेशनशिप की बेस पे आपने ट्रूथ वैल्यू ढूंढ रही है तो फिर क्या रहेगा आपके पास तो ये खान साहब ने वो अजीब बड़ा बड़ा मायूस किया आई मीन I mean, Yeah, अब क्या क्या कहें अब इनके बारे में जी और क्या सर आप बात करना चाहेंगे आपकी आवाज नहीं आ रही दो बातें एक जो इमाद का आप बता रहे थे इमाद का और वो जो वो, क्या नाम है उनका वो जो जिन्होंने ये इंजीनियर मिर्जा जी जी इंजीनियर मिर्जा जो है इमाद का वो है हार्डवेयर स्टोर है जिसके ऊपर इंजीनियर मिर्जा ने अपना सेटअप बनाया हुआ आज मैं तो डिटेल, डिटेल वैसे देना है। ये मैं उनकी वीडियो से सुना कि ये उन्होंने मतलब किया हुआ था तो मैं सोच रहा था कि अब उनका क्या बनेगा अब वो मूव करेंगे या क्या करेंगे और दूसरी बात वो जो आपने मिनारिटीज के बारे में पाकिस्तान में बच्चों के साथ और ये उसको मैं बहुत बो, इंडोर्स करता हूँ आपकी बात को और आपका अमूमन जो सबसे मुझे अच्छी बात आपकी लगती है जो आप ह्यूमन राइट्स के लिए स्पेशली पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं उसके लिए मेरा सलाम है आपको और आप मैं आपके साथ हूँ और आप अगर कुछ मजीद उसके ऊपर करना चाहते हैं मुझे पता है आप कुछ रिपोर्टर वगैरह भी हायर करना चाह रहे थे और ये कुछ ऐसा करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और जो ये सबसे बड़ा जो हम प्रैक्टिकली हम कुछ कर सकते हैं ये उनके लिए कुछ कर सकते हैं चले तो ये आप चूंकि आपने ये बात कर दी है तो अब मैं वैसे भी क्योंकि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन अभी मेरे पास कोई इस पर कुछ इतनी कोई है नहीं जो आ, मैं वो कर सकूं तो मैं ये ईमेल अपना लिख रहा हूं तो जो लोग पाकिस्तान में हैं और ये काम करना चाहते हैं अगर हमारे लिए रिपोर्टिंग कर सकते हैं उसकी कंडीशन ये है कि ऑब्वियसली आप लोग जो भी हैं जो ये काम कर सकते हैं उनकी फिर ऑब्वियसली आपको वेरीफाई करना होगा और आपको उधर जाना होगा जहां से खबर आएगी उसको वेरीफाई करके फिर वो कोई इंटरव्यू वगैरह वो आपको भेजना पड़ेगा उसकी हम ऑब्वियसली मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए फंड रेजिंग करूँ ताकि आपकी हम तनखाए पे, पे कर सकें और जो खर्चा होगा वो हम कर सकें तो उसके लिए आप मुझे ये ई भेजें इस ई एड्रेस पर अपना रेज्यूमे भेजें अपना इंटरेस्ट भेजें कि आप क्यों ये काम करना चाहते हैं उसके लिए फिर आप बड़ी रिगरस क्योंकि हमें भी चेक करना पड़ता है कि किसके साथ कर रहे हैं और हमारा एक्स मुस्लिमों का कलमा भी है सो यू नो होशियारी करने की जरूरत नहीं है तो आ, ये आप इस पर मुझे ईमेल भेज दीजिएगा और जैसा मैंने आपको बताया उसके लिए पैसे ऑब्वियसली हम समझते हैं कि अगर आप किसी बड़े शहर में कराची या लाहौर में हैं तो आपको लिए अंदरून सिंध में या अंदरून पंजाब में जाने के लिए प्रॉब्लम होगी पैसे चाहिए होंगे आपको फौरन जाके इन्फॉर्मेशन लेके वहां से भागना भी होगा आपकी आइडेंटिटी छुपी रहे तो उसके लिए हम आपके लिए करेंगे और ये मैक्सन जैसे लोग और और भी लोग हैं अगर वो मेरी पैट्रियन पे जाए वो पेट्रियन पे वो एक ऑप्शन है हेल्प मी हायर रिपोर्टर्स तो उसमें अगर आप मेरे पेट्रन बने तो बड़ी मुझे हेल्प मिलेगी क्योंकि अगर आप देखें तो कम से कम भी एक रिपोर्टर को हायर करने के लिए ना तकरीबन कम से कम कोई पंद्रह बीस हजार रुपए की तो मेरा ख्याल जरूरत होगी तो ये आ, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूं स्क्रीन तो आप ये पेट्रियन डॉट कॉम फॉरवर्ड स्लैश एक्स मुस्लिम पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये पेज नजर आएगा

सोच रहा हूं, तो उसके लिए फिर मैं आपसे आप पे, आप आप करते बहुत सारे लोग नहीं करते मैसेज पेट्रियन पे ही करता हूँ क्योंकि मेरे पास और इन्फॉर्मेशन नहीं होती अप तो होता है, तो मेरे पास सिर्फ आपका नाम और वही पेट्रियन पे ही होता है मेरे पास फोन नंबर नहीं होता ई नहीं होता तो आप पेट्रियन इनबॉक्स चेक आप... कीजिएगा उस पर मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा ठीक है ये मतलब इसको हम थोड़ा सा क्योंकि मैं आप देखता हूँ आप जो कुछ कर रहे हो और जितना रेगुलरली आप करते हो और केस टू केस आप स्टडी करते हो केस टू केस करते हो तो आ, कुछ लोग हैं मेरे रबते में पाकिस्तान में जो ऐसे रिपोर्टिंग करते हैं फ्री -लांसर हैं वो मींस के देखते हैं अगर उनको कुछ करके तो वो बाकी फंड्स के लिए कोई मसला नहीं है वो तो मैं खुद देख लूंगा उनको तो आप आ, देखें जो लोग ऑनेस्टी ऑनेस्टली इसको कर सकते हैं जो मींस के आ, नहीं आ, वो हमारे पास पूरी टीम है हमारे काफी सारे लोग हैं जो हम क्योंकि एक हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी है तो हम उसमें वेटिंग करके लेते हैं तो वो तो ऑब्वियसली ये हम कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि कोई इस तरह का घुसपैठिया आ जाए और वो बेचारे जिनकी हम मदद करना चाहे उल्टे और मुसीबत में पड़ जाए तो वेटिंग तो बड़ी बड़ी होगी और वो तो काम ठीक होगा बस यही है कि उनको फिर obviously जो expenses आपको पता है फिर कैसे होगा उनकी सेफ्टी का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा जी सारी चीजें हैं क्योंकि ये मेरा दिल बड़ा खराब हुआ था वो आपने जब देखा होगा कि वो एक लड़की की खबर शेयर हो गई थी और उसने इतना डैमेज किया इसको वो झूठी खबर थी जिसने भी जिस अक्ल के, के बच्ची के बीमारी है तो वो नीचे कैप्शन किसी ने और बदल दी पता नहीं किसने किया ये शरारत और वो फिर कुछ अदनान से दी कि बड़े बड़े पाकिस्तानी एक्टर्स ने उसको शेयर कर दिया और वो पता चला खबर झूठी है तो अब वो लोग बोलेंगे इसके ऊपर

या so ये, ये, डैमेज होते हैं। ये डैमेज है और ये इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग इस तरह की शरारतें करते हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अक्ल के अंत तुम लोगों को ये काम करने की जरूरत नहीं है जो काम हमेशा सच के साथ खड़े रहो जो चीज हो रही है हो रही है उसी को हाईलाइट करो और इसमें झूठ बोलने जैसे एक बड़ा अक्सर झूठ बोला जाता तो, है वो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज की बांग्लादेश की वजह से थी

मुझे पेपैल या Patreon पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ